आपका नाम? चित्र कुमार जी। आपके बच्ची के साथ कैसे क्या घटना घटित हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। इसके सर का नाम? कितने बजे की घटना है ये? एक घटना रात में हुई है। रात में हुई है। आपके लड़के कितने बजे यहाँ से बहजम को गई थी? यहाँ से गई है करीबन 8:30-9 बजे सुबह फार्म ऑनलाइन करने के लिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर 2 बजे हम गए कानो बहजम पता लगाने, तब आई नहीं। जब मिली नहीं उसके बाद? फिर कानो घर आए करे, फिर गन थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई किया था? फिर आए करे, फिर हम गन घर तीन बार गए, चौथे चक्कर में फिर कानो कार्रवाई चौकी पर करे जी। तो छानबीन थोड़ा रात में करी। फिर उसके बाद आज? और फिर आज तो कुछ छानबीन करी नहीं। तो आज लाश बरामद कहाँ हुई? वही तालाब के अंदर का ना, बसारा बसारा गांव के पास। हाँ, बेहतर सड़क है। आपको क्या लगता है कैसे क्या घटना, किन लोगों की चाल के द्वारा कैसे क्या हुआ है? एक उसका कोई कानो पकड़ ली, मोबाइल उगा ले ली, बातें नहीं करे भी। और कुछ और हुआ? उसकी घींच कटी है। आपने जब देखा जाके वहाँ पर, तो उसके लड़की साथ क्या क्या हुआ, कैसी हालत थी उसका? उसके कानो से जानवर का नो मोच नहीं, पैर और बाकी उसकी घींच रहे भाई। अच्छा, मोटा से कटी है। अच्छा, गैंगरेप करके घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसका गला काट दिया गया। छुरी है तो छुरी है, मोबाइल पांजर पड़ा दूर, चप्पल निकली दूर पड़ी। हो गई थी करा गई जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर देर हो गई, तो फिर ढूंढने गए। फिर आपकी बेटी मिली नहीं? फिर मिली नहीं, कोई मिली नहीं, तो फिर बाद में फिर आके घर से फिर गए ढूंढने। अकेले जाती थी क्या? हाँ, अकेले जाती। सर, थाना नीम गांव के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ती है धमरपुर, जिसमें घटना घटित है, उसका क्या मामला है, जानकारी दीजिए सर उस संबंध में। ये धमरपुर गांव में जी एक बालिग लड़की 18 वर्ष से ज्यादा हुई जी, उसके कल सुबह निकली थी कोई फॉर्म भरने के लिए जी, और आज उसकी सुबह 6 बजे गाड़ी 6 बजे के गाड़ी बन रही जी। अभी सर कोई परिजनों की तहरीर पर, परिजनों की तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इसमें लोग अगली मांग कर पाते हैं। आपका नाम? जितेंद्र कुमार जी। आप यहाँ के प्रधान जी हैं? जी, प्रधान प्रतिनिधि जी। गांव कौन सा है? धमरपुर। ग्राम पंचायत? धमरपुर। कैसे का घटना करते तुम्हें? मेरी लड़की सुबह 8 बजे घर से अपने स्कॉल फार्म ऑनलाइन करने के लिए भेजम गई थी जी। शाम तक जब घर पे नहीं आई जी, तो उनके पिताजी ने हम लोग बताया, तो रात में इधर उधर तलाश किया जी, पर हमसे लड़की मिली नहीं कहीं जी। फिर उसके बाद कहाँ मिली? फिर सुबह बसारे वालों ने सूचना दिया है कि खरगंचा तालाब है, उसी में डेड बॉडी पड़ी मिली है। तालाब में जी, सूखा तालाब है। कार्रवाई पुलिस मौके पर, सीओ साहब भी हैं, एसओ साहब भी हैं, चौकी इंचार्ज हैं। जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है। पीएम के लिए